तुम्हें कुछ पता चला अपने पापा के बारे में? उनके पास कितना वक्त है, या यूं कहूं कि कब मरने वाला है वो? हो सकता है वो कल ही गुजर जाए, कुछ कह नहीं सकते। सालों से यही बात सुन सुनकर पक चुके हो। एक बात कहूं, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो जब तुम्हारे पास वक्त हो तो अपने पापा को वॉक पर क्यों नहीं ले जाती हो? जूरी, मैं नहीं ले जाना चाहती। हाँ, तो मैंने अपनी शर्ट उतारी और उनके सिर पर डाल दी, जैसे गैंगजी हमेशा मेरे साथ करता है। फिर उन्होंने चिल्लाना बंद किया और शांत हो गए। बाबरे सेंग जी, ये तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर नाज है। पता है। हाँ हाँ, मैं कैंटीन में हूँ। हाँ तो मैं कहाँ था, खैर मैंने लोगों को ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में फोन करने को कहा और एम्बुलेंस में उनके साथ यहाँ तक आया। वो मुझे एक स्टोरी बुक पसंद है, उसका नाम है बुरे सपनों में जीने वाला लड़का। मैंने उन्हें वो बुक दी, मैंने उन्हें वो गिफ्ट नहीं दी क्योंकि मैंने पैसे देकर खरीदी थी तो मैं उन्हें नहीं दे सकता था। वो मुझे थैंक यू बोल रहे थे और कहा कि वो मेरे एहसानमंद है। अच्छा, ऐसा कहा? सांग जी, चलो हम गैंग जी के लिए वेट करते हैं, साथ में घर चले जाएंगे। कोमिन्योंग, ये तुमसे बड़ी है तो पहले इनको हेलो बोलो, समझी? हेलो आंटी। हेलो। चलो आज हम सब बाहर खाने चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे घर पर खाना है, बाहर खाने नहीं जाना है, भविष्य के लिए पैसे बचाने चाहिए। देखकर लगता है कि तुम तीनों एक हंसती खेलती फैमिली हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। नहीं, सच कहूं तो हम एक फैमिली नहीं है गैंग जी का, और मेरा एक सरनेम है मून, जबकि इसका तुम्हारा सरनेम क्या है? हाँ, को इसका को और हमारा मून, मतलब हमारे सरनेम अलग है और हम दूर के रिश्तेदार भी नहीं है। हम अब फैमिली नहीं है लेकिन फैमिली जैसी है। जरूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही फैमिली हो। क्या एक फैमिली वो एक